जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के शॉर्टकट को देखते हैं। यदि आप इस शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स आप 10 सेकंड से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। कोई भी प्रॉब्लम जो आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में करेंगे, वो प्रॉब्लम कैसे 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 होता है। cos 60 माइनस थीटा cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा cos 3 थीटा बाय 4 होता है। यदि आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा tan 60 माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो दैट विल कम आउट tan 3 थीटा, राइट। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, ये प्रॉब्लम आपका IIT में 93 में आया हुआ था। इस प्रॉब्लम को यदि आप यूजुअल अप्रोच से करेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन आप यदि इस आइडेंटिटी को यूज करके करते हैं तो ये प्रॉब्लम विद इन 10 टू 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप देखिए साइन पाई बाय 18, साइन 5 पाई बाय 18, साइन 7 पाई बाय 18, इट विल बी रिटर्न साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ऐसा क्यों? पाई बाय 18 जैसा कि आपको पता ही है कि वो 10 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख दूंगा, राइट। तो हम लोग लिख देते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, साइन 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 60 माइनस 10, दिस वन इज साइन 10 डिग्री, दिस वन इज साइन 60 प्लस 10 डिग्री। अब पहले वाले आइडेंटिटी को देखिए, साइन 60 माइनस 10 साइन 10 डिग्री, साइन 60 प्लस 10 डिग्री, दैट विल कम आउट साइन 3 इंटू 10 डिग्री डिवाइड बाई 4, दैट मीन साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 4, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, दैट मीन इट विल कम आउट 1/8। काफी काफी आसान है, राइट। तो इसके थ्रू आप यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें सपोज निकाला है cos पाई बाय 18, cos 5 पाई बाय 18, cos 7 पाई बाय 18, बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं, दैट विल इक्वल टू cos 3 इंटू 10 डिग्री डिवाइड बाई 4, दैट मीन cos 30 डिग्री डिवाइड बाई 4, इट विल कम आउट कितना, √3/8। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब सपोज कहा जाए आपको साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए इस रिजल्ट का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करके। सिंपल सी बात है, सबसे पहले साइन 60 डिग्री को लिख देंगे √3/2। अब साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री कितने के इक्वल हो गया, 60 माइनस 20, ये साइन 20, ये साइन 60 प्लस 20। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की जगह कितना डालेंगे आप, 20 डिग्री। तो यदि आप थीटा की जगह 20 डिग्री डालते हैं तो इट विल कम आउट साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 4, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2। तो बहुत आसान है, इट विल कम आउट सिंपली कितना, 3/16। 10 सेकंड से कम लगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू को लेट से इसकी वैल्यू को मैं y ले लेता हूं, तो y इक्वल टू, ध्यान दीजिए अब आप लोग यहाँ पे साइन 60 डिग्री को सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे, √3/2, ठीक है। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, राइट, इतना इक्वल टू। सिंपल सी बात है, इसको निकालने के लिए मैं सीधा सा बात है इस रिजल्ट को यूज कर लेता हूं, थीटा में 20 डिग्री डाल देता हूं तो ये चीज यही आ जाएगी। तो यदि ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं थीटा 20 डिग्री डाल दिया, तो थीटा 20 डिग्री डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 4, इसका तो हो गया यहाँ पे √3/2 इंटू 1/4, राइट। तो ये चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ देखिए ध्यान से, साइन 60 डिग्री √3/2 के इक्वल है, तो √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1/4, विच विल कम आउट सिंपली 3/16। और भी देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, √3, तो इसको √3 लिख दिया इंटू। अब ध्यान दीजिए, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री, ये कैसे आएगा, यहाँ पे जस्ट थीटा की वैल्यू 20 डिग्री प्लेस कर दीजिए। यदि यहाँ पे थीटा 20 डिग्री प्लेस कर देते हैं तो यह कितना आ जाएगा, देखिए tan 40, tan 20, tan 80, राइट, जिसकी वैल्यू tan 3 थीटा, इसका मतलब थीटा 20 हमने प्लेस कर दिया तो इट विल कम आउट tan 60, और tan 60 डिग्री कितने के इक्वल होती है, √3 के, तो √3 इंटू √3 विल गिव 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू सिंपली कितने के इक्वल आ गई, 3 के इक्वल। काफी काफी आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कितने देर लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, 10 सेकंड। यदि आप इन तीन आइडेंटिटी को याद रखते हैं, इन तीन रिजल्ट को याद रखते हैं, इसको आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करना बहुत ही आसान है, और यदि कभी हुआ तो मैं किसी सेशन में इसको प्रूफ भी कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से इस सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट सीखा, कुछ ट्रिक्स सीखा, कुछ टिप्स सीखा। ये ट्रिक्स नहीं है बल्कि ये तो रिजल्ट ही है जो डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को यदि आप याद रखते हैं, वो काफी स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे काफी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जेई मेन या जेई एडवांस में काफी आसान हो जाता है। जो क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चे जो हैं
पाँच मिनट में सॉल्व कर सकते हैं या उसने सॉल्व ना हो वो चीज़ आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं यदि इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, राइट। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे काम के बारे में दूसरों को बताइए ताकि उनको भी हमारे काम से मदद मिल सके, राइट। वंस अगेन थैंक यू।